नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आपको मैं एक अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ और उस इंसिडेंट ने मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव किया। और वो बदलाव क्या था? आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी और उन्होंने मेरा डेमो लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि सर एक बार डेमो दे दीजिए और उसके बाद मैं एडमिशन कराऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि डेमो से आप ज़्यादा बेहतर मुझे जान पाएंगी तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो मैंने उनको डेमो दिया और डेमो देने के बाद वो तकरीबन 2 क्लासेस उन्होंने इकोनॉमिक्स की अटेंड की। उसके बाद उन्होंने क्लास में आना बंद कर दिया, यानी कि क्लास में वो नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा शायद बहुत ख़राब पढ़ा दिया मैंने, जिसकी वजह से उन्होंने क्लास में आना बंद कर दिया। मगर फिर 15-20 दिन हो गए और मैं इस बात को भूल गया कि कोई स्टूडेंट आई थी और उन्होंने डेमो लिया और फिर आगे फर्दर पढ़ाई नहीं की। मगर 20 से 25 दिन बाद मैं कार ड्राइव कर रहा था तो उस दौरान मेरे पास एक कॉल आया, अननोन नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। और जब मैंने कार को साइड में लगा के कॉल पिक किया तो वो उस स्टूडेंट का कॉल था जिसने मुझसे 15-20 दिन पहले डेमो लिया था। तो उन्होंने अपना नाम बताया, बोले सर आपको याद है कि मैं आपके पास डेमो लेने के लिए आई थी, इकोनॉमिक्स का मैंने डेमो लिया था। तो मैंने कहा जी बताइए। तो अब मैंने कहा आप क्लास में नहीं आ रही हैं, 2 दिन आपने क्लास की उसके बाद आप क्लास में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि सर क्लास में ना आने का रीज़न ये है कि जो इकोनॉमिक्स की जो फीस मुझे पे करनी है वो सर फीस बहुत ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमिक्स की फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो आई थिंक उतना पे नहीं कर पाई, या उनका फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं थी वो, शायद इसलिए वो पे नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि ठीक है, बट उसमें मैं उनकी कुछ खास मदद कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे हाथों में नहीं था। मगर उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, आपने अच्छा पढ़ाया सर समझ आया, बट ये है कि सर जो फीस है वो मेरे लिए इशू है और मैं उतनी फीस नहीं भर पाऊंगी। तो ये कह के मैंने उनसे कहा कि मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाया, बट फीस से रिलेटेड डिसीजन मैं नहीं लेता और मेरे हाथों में नहीं है। मगर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने वीडियो YouTube पे अपलोड करें और उसका बेनिफिट मुझे हो। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मुझे कभी आइडिया ही नहीं आता कि ये YouTube पे इकोनॉमिक्स की वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। जो क्योंकि अगर आप देखें तो जियो की मदद से, खास तौर से जो जियो सर्विसेज दे रहा है इंटरनेट की, उसकी मदद से इंटरनेट हमारे देश में अब काफ़ी सस्ता हो गया, यानी कि इंटरनेट कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इतना कम पैसों में अब इंटरनेट अवेलेबल है। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि सर आप एक काम करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हो उस टॉपिक को सर अपलोड करके यूट्यूब पर डाल दो तो मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चों को बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर जो आइडिया आज मेरे दिमाग में आया है कि मैं जो भी पढ़ाऊं, जो भी लेक्चर मैं लूं, या कंटेंट जो मैं पढ़ाता हूं, वो कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे डालने का मोटिव ये है कि 2 साल पहले उस बच्चे ने आकर मुझे बोला कि सर अगर आप ये कदम उठा लेंगे तो मुझ जैसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा है, तो सर घर में बैठकर इंटरनेट की मदद से मोबाइल फ़ोन पे पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर मैं कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, कोई भी टॉपिक अगर मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताता हूँ, तो प्लीज़ उसको कम से कम, अगर आपकी नज़र में कोई भी स्टूडेंट है जो 11th या 12th में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी भी बच्चे की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा YouTube के माध्यम से पढ़ पा रहा है और उसके माँ बाप अगर ज्यादा पैसे नहीं दे पा रहे और YouTube से वो पढ़ पा रहा है, तो सर ये बेटरमेंट है,
यानी कि बच्चा अगर पढ़ेगा या अच्छी एजुकेशन उसकी ज़िंदगी में होगी तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आइडिया मेरे दिमाग में आया कि यार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करो, एक बार पढ़ा दो तो कहीं ना कहीं बच्चा उसको 10 बार या 20 बार देख लेगा, तो फिर शायद उसको आसानी होगी उस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए, तो ये जो सफ़र है जो मैंने इकोनॉमिक्स का शुरू किया है यूट्यूब का चैनल में माध्यम से मैंने वीडियोस बना बना के मैं अपलोड करता रहता हूँ, ये सफ़र नहीं रुकेगा। हमेशा कोशिश मैं करूँगा कि अपने एक सब्जेक्ट को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर एक बेहतर कंटेंट मैं आपके सामने लेता हूँ। और कहीं ना कहीं इस वीडियो को जो भी मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डालता हूँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स या कोई भी बच्चा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज से है या कोई एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। शायद उसकी ज़िंदगी में इस कंटेंट को पढ़ने के बाद या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा बेटरमेंट हो। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में जो भी बच्चा है, ठीक है, उसको हम पढ़ाएं। और अगर वो पढ़ना चाहता है, क्योंकि वो लड़की जो आई थी 2-2.5 साल पहले, वो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छी थी, 2 क्लासेस में भी समझ आया था, रिस्पॉन्स करती थी, आंसर करती थी, बट उनको मैं पढ़ा नहीं पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। बट कहीं ना कहीं अब YouTube के माध्यम से या YouTube से मदद से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ। और वो अगर पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा फीस नहीं दे पाते, तो मेरे चैनल को वो या मेरे वीडियोस को देख लें, उस कंटेंट उनको मैं शायद बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो यही एक मैसेज मुझे आपको आप तक पहुँचाना था कि जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ या कोई भी कंटेंट आपको लगे कि ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके आस पड़ोस में, क्योंकि अगर वो कंटेंट पढ़ेंगे तो उनका बेनिफिट होगा। तो आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।